वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आपका स्वागत है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाने की बात पिछले वीडियो में मैंने कही थी, आज वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वी नो डैट देर इज अ लिमिट स्टॉक्स ऑफ द वाटर, सो वी हैव टू प्रिजर्व वाटर एट फर्स्ट। पानी की मात्रा सीमित है और जल को संचय करना बहुत ही जरूरी है। डिस्चार्ज वाटर को कैसे हम फिल्ट्रेट करेंगे, इसी संबंध में आज हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP, तो पहले तीन तरह से इसको हम लोग शुद्धिकरण के रूप में शुद्ध करेंगे। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी। तो प्राइमरी मतलब फिजिकल समझो, सेकेंडरी मतलब केमिकल समझो, बायोलॉजिकल समझो, और टर्शियरी का मतलब होगा आप केमिकल प्रोसेस के तहत समझो। ये तीन प्रोसेस तीन चीज के लिए। तो पहला है स्टूडेंट की फिल्ट्रेशन बाई बायोस्क्रीन। तो बायोस्क्रीन क्या है? बायोस्क्रीन एक रोटेटिंग व्हील है जो पॉलिथीन सॉलिड वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके छांट लेती है। उसके बाद से इट हैव मैनुअली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड एंड यूज इट फॉर द लैंडफिल। सॉलिड वेस्ट मटेरियल को छांटने के बाद से उसको लैंडफिल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट लिफ्ट एंड सैंड रिमूवल। सैंड रिमूवल के लिए हम लोग किसी टैंक में उसको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद से सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए रख देंगे, जहां पर कुछ समय तक वो पानी स्थिर रहे, बने रहे। दूसरा है स्टूडेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व डाटा बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस वी नो डैट क्लेरिफाइड इंटू एरेटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू एरोबिक बैक्टीरिया एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एरेटर टू स्पीड अप द बैक्टीरिया माइक्रोब्स कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट एंड सोर्स। एरोबिक बैक्टीरिया डाल देंगे अगर इसमें तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको ये सबको खा करके कतर करके उसको सॉलिड वेस्ट के रूप में नीचे जमा देगा एरेटर में। पानी जो है ऊपर में, पानी के अंदर में जितने बैक्टीरिया होंगे सबको सॉलिड वेस्ट मटेरियल को सबको जमा देगा और ऊपर में पानी चला आएगा। उसके बाद से जब पानी आ जाएगा तो उसको एक्टिवेटेड करके हम लोग फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लगभग 95% तक जल शुद्ध हो जाता है। 95% तक जल शुद्ध हो जाता है और 5% हम लोग टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं और उसके बाद से अल्ट्रावायलेट रेज पास करते हैं और क्लोरीन का टैबलेट डालते हैं, जिसमें क्लोरीन टैबलेट्स एंड ओजोन आर यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। द ट्रीटमेंट वाटर इज आइदर डिसइंफेक्टेड विथ क्लोरीन और एक्सपोज विथ अल्ट्रावायलेट रेज। क्लोरीन किल्स हाउएवर जर्म्स इनटू द वाटर। क्लोरीन का काम स्टूडेंट ये है कि जो जर्म्स होंगे, जो कीटाणु होंगे, उसको किल करता है क्लोरीन, और अल्ट्रावायलेट से जो वाटर है उसको पोर किया जाता है और ही अच्छा बनाया जाता है, क्वालिटीफुल बनाया जाता है। और फाइनली इसको हम लोग क्या करते हैं कि फिर सप्लाई कर देते हैं कहाँ पर, शहरों में, और वो पानी फिर पीने के योग्य और फिर अनेक माध्यमों से ये यूज़ किया जाता है। दूसरी बात ये है कि लगभग शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ही यूज़ करके पानी को, जल को शुद्ध करके यूज़ किया जाता है और उसके बाद से उसे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पर डे लाइफ में।
तो स्टूडेंट ये था आज का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विषय में। अगले वीडियो में हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे सैनिटेशन एंड डिजीज, बीमारियां कौन सी होती हैं और कैसे उसको सही से रख रखाव करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।